सभी यूजर्स के लिए कॉइन स्विच ने फिलहाल ओपन कर दिया है क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन, लेकिन काफ़ी सारी कंडीशन है और आपको ऑप्शन को अनेबल करने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, यानी कि आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है। लेकिन क्या वास्तव में क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन को हमको अनेबल करना चाहिए या नहीं, और करना है तो कौन कौन सी कंडीशन में करना है, और अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल कर लेते हैं सो आप जो भी क्रिप्टो को डिपॉजिट कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको कौन कौन से वेरिफिकेशन करने होंगे। CoinSwitch ऐप पर क्रिप्टो को डिपॉजिट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है, CoinSwitch का जो ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, और अगर पहले से इंस्टॉल है सो मेक श्योर करें कि लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। उसके बाद में आप अपने अकाउंट का लॉगिन करेंगे, जैसे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर ही काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर प्रो फॉर ट्रेडर्स का एक ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ ट्रेड लिखा होगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको CoinSwitch प्रो वर्जन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। आपको ना यहां पर एक कॉइन लिस्ट के नाम से ऑप्शन मिलता है और एक बैक करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहां देख सकते हैं। आपको जस्ट इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज फिर आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा ऊपर, जस्ट आप यहां क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको क्रिप्टो डिपॉजिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे भेजा जाएगा जहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपको मिलेगा क्रिप्टो डिपॉजिट्स अनेबल्ड नाउ। सो बेसिकली यहां पर आपको सबसे पहले स्टार्ट डिपॉजिट पर क्लिक करने से पहले कुछ कंडीशन पढ़ लेनी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो जो CoinSwitch एक्सचेंज है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी लॉ है उनको फॉलो करता है। उसके बाद में आप 100+ जो कॉइन्स है उनको फिलहाल डिपॉजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिए अभी जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, सो आप ऐसा ना सोचिए कि क्रिप्टो को विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट जो आप क्रिप्टो कर रहे हो ना वो भी बहुत सारी कंडीशन के साथ में आप कर पाएंगे। उसके बाद में आपके द्वारा सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना उनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ ये चुनिंदा है। सो सबसे पहला सवाल है यूजर्स के द्वारा जो पूछा जाता है कि हम कौन से वॉलेट से अपना जो क्रिप्टो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं CoinSwitch प्रो पर। सो बेसिकली आप यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं और प्राइवेट वॉलेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो क्रिप्टो डिपॉजिट कर देते हैं CoinSwitch प्रो पर, बेसिकली अगर आप CoinSwitch प्रो पर डिपॉजिट करते हैं ना तो टेक्निकली वो CoinSwitch पर ही डिपॉजिट होता है, क्योंकि प्रो इनका एक नया वर्जन है। सो अगर प्रो में बैलेंस है ना तो वो CoinSwitch में भी शो होता है, और अगर आप प्रो के माध्यम से उसको सेल करेंगे तो आप उसको बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो ऐसा कोई टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद में है अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो को डिपॉजिट कर दिया, उस कंडीशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई करने होंगे उस क्रिप्टो का जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसको सक्सेसफुली अपने अकाउंट में जमा करने के लिए। सो बेसिकली आपको जो आपका आईडी प्रूफ है ना वो यहाँ पर शो करना होगा कि हाँ आप ही इसके ओनर है। तो उस कंडीशन में आपको आपका आधार कार्ड शो करना पड़ सकता है, पैन कार्ड भी आपको शो करना पड़ सकता है। उसके बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिप्टो डिपॉजिट कर दिया और अगर आप उसकी ओनरशिप मान लीजिए प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अगर मान लीजिए वेरिफिकेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या होगा? सो बिना वेरिफिकेशन के एक तो क्रिप्टो डिपॉजिट नहीं होगा आपका और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा अगर आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है उस कंडीशन में, और आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से बता भी दिया जाएगा कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है जो आपने आईडी प्रूफ दिए थे वो मैच नहीं हुए, जिसके कारण ये ट्रांजेक्शन आपके वॉलेट में जमा नहीं होगा, जिसके कारण आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फेल्ड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप वापस से वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में व्हाट अबाउट क्रिप्टो विड्रॉल? सो बेसिकली यहां पर बोला गया है कि फिलहाल तो जो क्रिप्टो विड्रॉल्स हैं वो इस समय ये सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो क्रिप्टो विड्रॉल का ऑप्शन है वो भी मिल जाए। बट रिमेंबर काफी सारी गाइडलाइंस होंगी जो कि आपको फॉलो करनी होंगी, और जब आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं आपको ये ऑप्शन अनेबल करना है तभी आप यहां पर वापस से ऊपर की तरफ आएंगे एंड स्टार्ट डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल प्रोवाइड करवानी है। अब आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मेरा तो प्रोपे अकाउंट है ही नहीं, मैं क्या करूं। सो बेसिकली आपका CoinSwitch पर जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो प्रोवाइड करवाना है, उसके बाद में जो भी मोबाइल नंबर है वो आपका प्रोवाइड करवाना है, और जो भी आपका पूरा नाम है वो प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि आप जो क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहे हैं ना उसका सोर्स क्या है, एक्सचेंज या प्राइवेट वॉलेट है या फिर दोनों ही है। सो आप यहां जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक्सचेंज वॉलेट है, प्राइवेट वॉलेट और
और अगर ये दोनों से ही आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप बोथ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर कि जो भी डिटेल प्रोवाइड करवा रहे हैं ना वो करेक्ट होनी चाहिए। इस फॉर्म को कंप्लीट भरने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको 2 दिन वेट करना है, सो ये 2 दिन वर्किंग डे होंगे। सो 2 दिन के अंदर अंदर जो आपका क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन होगा वो अनेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।